नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन में एक महीना के वक्त रह गिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के मंदिर के उद्घाटन करे जा रहल बाड़े, लेकिन 22 जनवरी के उद्घाटन के लेके देश में राजनीति जोर शोर से चल रहल बा। अबूरी एकर कारण ई बा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ओर से 22 जनवरी के होखे वाला कार्यक्रम में कुछ विपक्षी नेता के बोलावल नइखे गईल। सबसे उलझन में बा यूपी के समाजवादी पार्टी जवना में से कुछ नेता लोग नेवता ना मिलला से परेशान बाड़े। तक कुछ नेता खुद हिंदू धर्म खातिर गलत शब्द के उपयोग करत बाड़े। दूसर तरफ लेफ्ट पार्टी के तरफ से कहल गिल कि उ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जीहें। INDIA गठबंधन के बहुत बैठक भइल बा, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पद खाती चेहरा के नाम के लेखे कवनो पुष्टि नइखे भइल। एही बीच बहुत नेता के नाम सोझा राखल गइल बा, जवना में नीतीश कुमार अवूरी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम सबसे ऊपर बा। अब संजय राउत के ओर से एगो बयान निकलल बा, जवना में कहल गइल बा कि भारत गठबंधन में PM पद खाती कई चेहरा बा। अब एह गठबंधन के सीनियर मोस्ट लीडर शरद पवार PM चेहरा के लेके आपन विचार रखले बाड़े। शरद पवार कहले कि अगर INDIA ब्लॉक में शामिल दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना घोषित करी तो एकर कवनो नतीजा ना हुई। जदयू में फेर उथल पुथल के खबर बा। सूत्रण के हवाला से खबर आवत बा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकेले। हालांकि पार्टी एकरा पर कवनो टिप्पणी ना कैलस, अवूरी एकरा के अटकलबाजी बतवलस। जदयू के कार्यकारिणी के बैठक 29 दिसंबर के दिल्ली में हो रहल बा। आ खबर बा कि ओही बैठक में ललन सिंह आपन इस्तीफा के ऐलान करी है। खबर इहो बा कि नीतीश खुद पार्टी के कमान अपना हाथ में ले सकेले। हालांकि पार्टी एकरा से दूर रह के सुरक्षित खेल खेले के कोशिश कर रहल बिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में पार्टी के नेता लोग के विवादित बयान देवे से बचे के सलाह देले रहले। तबहू स्वामी प्रसाद मौर्य एक बेर फेर विवादित बयान देले। स्वामी प्रसाद दिल्ली के जंतर मंत्र पे एगो कार्यक्रम में शामिल भयल रहले, जहां उ हिंदू धर्म के धोखाधड़ी बतवले रहले, जवना के बाद विवाद अबूरी तेज हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य कहले कि हिंदू धर्म धोखाधड़ी है। समाजवादी पार्टी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पीछे हटकिल। पार्टी साफ कैलस कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं खे। नेताजी अवूरी अखिलेश यादव हमेशा से हिंदू धर्म के सम्मान करत आयल बाड़े। देश भर में कोरोना के नया मामला तेजी से बढ़ रहल बा। पिछला 24 घंटा में कोरोना के चलते 3 संक्रमित मरीज के मौत हो गई। एह दौरान कुल 116 गो नया मरीजन के पहचान भिल बा। अब देश में कुल सक्रिय केस के संख्या बढ़ के 4,170 हो गई बा। यही बीच बहुत लोग के रिपोर्ट भी नेगेटिव आयल बा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पछिला 24 घंटा में कुल 293 संक्रमित मरीज ठीक हो चुकल बाड़े। हालांकि ये पता नहीं खे कि ए दौरान कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के कवनो मरीज मिलल बाकी ना। 25 दिसंबर के आंकड़ा के मुताबिक देश में फिलहाल सब वेरिएंट JN1 के 66 मरीज बाड़े। अहमे से अधिकतर मामला मशहूर पर्यटन स्थल गोवा से आयल बा, जहां एह वेरिएंट के 34 गो मरीज मिलल बाड़े। लेकिन अब एकर प्रसार बढ़ल लुकत बा। पिछला एक हफ्ता में जीनोम सीक्वेंसिंग खातिर आयल मरीजन के सगरी नमूना में ई नया उपरूप मिलल बा, जवन एह घरी दुनिया के 40 से अधिका देशन में संक्रमण के बढ़ावा दे रहल बा। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे, जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।